बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से है और यहाँ पर यूज़ होगा थ्योरम लैबनिस थ्योरम। इफ़ वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एम टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स, देन शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन टाइम्स एक्स इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर वाई का जो सफिक्स में नोटेशन दिखाया जा रहा है एन प्लस टू, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एन टाइम्स डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है, यानी वाई का एन बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरीके से एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएशन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको शॉर्ट में वाई एन प्लस वन लिखा गया है और इसको वाई एन प्लस टू रखा गया है। इसको प्रूव करना है जबकि हमको दे रखा है गिविन में वैल्यू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम इंटू पावर में ही कॉस इनवर्स एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे और इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हमें एक बार इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी जिसको हमें वाई वन शॉर्ट में वाई वन लिखेंगे। वाई वन मीन्स वाई का एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू है ई टू द पावर एम टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। हम लोग जानते हैं ई की पावर, इसको क्योंकि ये वेरिएबल एक्स है तो ये पूरा वेरिएबल होगा, ये टोटल वेरिएबल हो जाएगा ई की पावर वेरिएबल। इसको हमने माइंड में एक्स माना है और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक्स नहीं है, इसलिए दोबारा से इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स का। तो ई टू द पावर एम टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए एम इंटू में है, कॉन्स्टेंट है तो ए एम बाहर हो जाएगा इंटू में, डी वाई ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर वैल्यू रख दी, ये वाई वन के इक्वल चल रहा है। इस फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में पहुँचाएंगे तो ये भी डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन। और राइट हैंड साइड में ये माइनस को शुरू में लिख दें, फिर यहाँ पर एम लिख दें और ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर वन में देखिए ई टू द पावर एम इंटू कॉस इनवर्स एक्स जो है वो इक्वेशन नंबर वन से वाई के इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर वन का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को हम वाई के इक्वल कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन का यूज़ करते हुए हमने इसको वाई के इक्वल डाल दिया। तो अभी हमारी ये वैल्यू जो आई है स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन है और स्क्वायर रूट सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर पर है। अगर स्क्वायर रूट से हम छुटकारा पाना चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वाई वन का भी स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना हमको मिल जाएगा। अब चूँकि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है प्लस टू टाइम्स करना है तो पहले हम दो बार डिफरेंशिएशन कर लें और फिर उसके बाद एन बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसका एक बार हो चुका है तो दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो फर्स्ट दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, यानी फर्स्ट सेकेंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनटू में एम स्क्वायर है बाहर ले लेंगे और जब हम यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वाई स्क्वायर का। तो इस फैक्टर को यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट लिखा रहने दीजिए और इसको एक्स समझ के एक्स स्क्वायर को होता है पावर आगे आ जाएगी और जितनी भी पावर है इसकी इसमें से एक कम हो जाएगी, दो में से एक करेंगे एक आ जाएगा, लेकिन ये एक्स नहीं है जबकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें इसका वाई वन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी वाई वन ओवर डी एक्स लिखा है ये प्लस वाई वन का होल अब स्क्वायर लिख लें और इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर दो टर्म है, पहले वाले टर्म यानी वन का जो कि कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन ज़ीरो और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी पावर होती है उसमें से एक कम करेंगे तो वन पावर आ जाएगी, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी यही होगा पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम बचेगा, लेकिन ये एक्स नहीं था जबकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इस वाई का दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं वाई वन का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंसीशन कर देंगे तो उसका शॉर्ट नोटेशन है वाई टू। वाई टू मीन्स वाई वन का दोबारा से डिफ्रेंसीशन या वाई का दो बार डिफ्रेंसीशन, क्योंकि वाई का एक बार किया था डिफ्रेंसीशन तो वाई वन मिला था, एक बार और करेंगे तो इसको हम वाई टू लिख सकते हैं। तो इस फैक्टर को हम ऐसे लिख देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू टाइम्स वाई वन इंटू वाई टू, टू टाइम्स वाई वन इंटू वाई टू, और प्लस में यहाँ पर था वाई वन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है माइनस का टू एक्स और राइट हैंड साइड में है एम स्क्वायर इंटू टू वाई, आई मीन टू वाई इंटू वाई का डिफ्रेंसीशन एक्स के रिस्पेक्ट में उसको हमने वाई वन से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसमें देख रहे हैं टू वाई वन और टू वाई वन कॉमन आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में टू वाई वन को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इंटू वाई टू बाहर, ये प्लस होगा इस वाले माइनस की वजह से माइनस में बदल जाएगा, एक पावर वाई वन की बाहर हो चुकी है, टू बाहर हो चुका है तो एक्स बचा है उसमें से एक पावर बची वाई वन की। राइट हैंड साइड में हम टू वाई वन को पहले लिख देंगे और हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि टू वाई वन से टू वाई वन कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास ये बच रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर इंटू वाई। अब इस टर्म को भी हम राइट से लेफ्ट में ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब दो बार डिफ्रेंसिएशन जब कर लिया इसका और इक्वेशन नंबर चाहे तो इसको टू डाल दें, अब हम इसको एन बार और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा, क्योंकि उसमें एन प्लस टू टाइम डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है। तो डिफ्रेंसिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएटिंग एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लेबनिस थ्योरम, यानी लेबनिस थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको हमको एन टाइम्स डिफ्रेंसिएशन करना है। तो लेबनिस थ्योरम में जब इसका एन बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्योंकि हम इस वन माइनस एक्स स्क्वायर का दो बार पहले ही डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर वाई का कर चुके हैं तो अब एन बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस टर्म का भी एन बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, इस टर्म का भी एन बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और इस वाले टर्म का भी एन बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एम स्क्वायर वाई का। डी एन ए डिनोट करता है, आपको मालूम है डी का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, और अगर इसको डी एन लिखेंगे तो उसका मतलब एन बार डिफ्रेंसिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसका डिफरेंशिएशन एन बार करेंगे लेबनिस थ्योरम जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस फंक्शन को वी मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कम से कम जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे हम इसको अगर तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जबकि ये तो जितने बार भी डिफरेंशिएशन करें कोई ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसको हम वी और इस दूसरे फंक्शन को यू मानेंगे और फर्स्ट टर्म को देख लें तो बाकी टर्म को आसानी से लिख सकते हैं। तो शुरुआत होती है एन सी ज़ीरो को फर्स्ट टर्म और यू वी होता है इसको एज इट यहाँ पर लिख दिया जाएगा और इस यू जिसे बना है उसका एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस अब सेकंड टर्म इस टर्म को देख के लिख देंगे। अभी हम इसका यहाँ पर एन बार डिफरेंसिएशन कर रहे हैं और इसमें यू लेबनिस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो इस टर्म को देख के जब लिखेंगे तो यहाँ पर ज़ीरो की जगह पर वन आ जाएगा और इसमें अभी एक बार भी डिफरेंसिएशन नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर एक बार डिफरेंसिएशन होने लगेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पर एक कम कर दीजिए, इधर एक बढ़ाया है इधर एक कम कर दो, तो इसको में एन माइनस वन टाइम डिफरेंसिएशन होगा इस बाई टू का। अब यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम पावर टू है तो दो बार डिफरेंसिएशन ही कांस्टेंट होगा, थर्ड बार में ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं लिखना होगा, एक टर्म और लिखना है बस। तो इसको देख के अगला टर्म लिख सकते हैं, इसी देख के अगला टर्म लिखेंगे, डायरेक्ट भी डिफरेंसिएशन कर सकते हैं। तो एन सी टू और इसमें एक बार बढ़ा देंगे, एक पावर है दो कर देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंसिएशन और यहाँ पर एक कम कर देंगे, यानी डी एन माइनस वन चल रहा था एन माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पर वाई टू।
अब जो कि दो बार डिफ्रेंसेशन हो गया, ये दो पावर तो कांस्टेंट होगा, अगली बार जो है ज़ीरो हो जाएगा तो लिखेंगे नहीं। यहाँ तक हमारा ये इसकी वैल्यू जो है आ चुकी है, कंप्लीट हो गया। अब माइनस के बाद दूसरे टर्म में भी लेबनिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसमें भी वही इसको वी फंक्शन और दूसरे वाले को यू मानेंगे और लेबनिस थ्योरम लगाएंगे तो एन सी ज़ीरो और इस एक्स को यानी वी को पहले लिख देंगे और एन बार डिफरेंशिएशन होगा वाई वन का। अब इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखना आसान होगा, एन सी ज़ीरो की यहाँ वन हो जाएगा और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा और इसमें एक कम कर दिया जाएगा दूसरे वाले में यानी यू वाले में, एन माइनस वन टाइम्स करा जाएगा इस वाई वन का, क्योंकि अगली टर्म में ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि एक पावर है, इसकी भी एक पावर है, ये कॉन्स्टेंट है, अगले बार में ज़ीरो हो जाएगा तो सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। बस यहाँ तक ये कम्प्लीट हो जाएगा इस वैल्यू को, और इन टू में जो कि एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको कॉन्स्टेंट को एम स्क्वायर को माइनस था ही, एम स्क्वायर को बाहर ले लिया, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में एन टाइम्स, वो हम अभी कर देंगे। लेबनिस थ्योरम तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का एन टाइम्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमें प्रोवाइड करती है। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है तो पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, एन सी ज़ीरो का ज़ीरो है तो वैल्यू ऊपर कुछ भी हो तो ये वैल्यू वन के इक्वल होती है, इसको एज इट लिख देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसका एन बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे वाई टू का तो एन बार पहले से चल रहा था, इसका मतलब एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन वाई का होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर वन है तो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वही आ जाती है यानी एन आ जाती है और डी मतलब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो दो टर्म है, पहले वाले टर्म यानी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो और दूसरा वाला टर्म जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और यहाँ पर y2 का n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है जबकि हम दो बार डिफरेंशिएशन पहले कर चुके हैं तो दो बार कर चुके हैं, अब n माइनस वन टाइम्स करना है तो अब यानी हमें करना होगा n प्लस वन टाइम्स, टू में से वन माइनस होगा n आ गया, n प्लस इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में यानी y n प्लस वन लिख सकते हैं इस वैल्यू को। अब नेक्स्ट में ये एन सी टू है जिसकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा, शॉर्ट तरीका ये है कि n लिख लिए पहले उसके बाद एक कम कर दीजिए, लेकिन कितने फैक्टर लिखने हैं क्योंकि यहाँ पर दो लिखा है तो दो ही फैक्टर लिखना होंगे, अपान में लिखा जाएगा टू इंटू वन यानी टू उसके बाद फिर वन, अगर थ्री होता तो थ्री इंटू टू इंटू वन यानी वन तक आते हैं जो भी इंटीजर है वहाँ से। अब इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक बार हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर का कर चुके हैं तो हम इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पर, यानी हम इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा और फिर इसमें ये इंडेक्स जब जुड़ेगा टू से टू कैंसिल तो वाई एन आ जाएगा, तो इसको हमने को वाई एन लिख दिया, ये ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। माइनस के बाद जो है वो दूसरा ब्रैकेट शुरू होता है, ये उससे सॉल्व करेंगे, जब ज़ीरो है तो ऊपर कुछ भी हो ये वैल्यू वन होती है, एक्स लिखेंगे और ये इंडेक्स आपस में जुड़ जाएगा तो वाई एन प्लस वन हो जाएगा और ये वन होता है तो ऊपर जो लिखा है वही लिख देंगे, एन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन होता है यानी डी एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी और इसमें इंडेक्स जुड़ेगा वन से वन कैंसिल तो ये वाई एन हो जाएगा यानी ये दोनों जुड़ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था एन माइनस वन टाइम्स और हो गया तो ये यानी एन टाइम्स डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है। माइनस एम स्क्वायर इंटू ऐसे इस वाई का ये एन बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है जिसे हम लोगों शॉर्ट में वाई एन लिखते हैं, राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और बाकी बचा हुआ है इसको भी कर देते हैं, वन का इंटू करेंगे यहाँ पर तो यही आ जाएगा यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस का टू, यहाँ पर प्लस और माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा यानी माइनस का टू पहले लिख दें फिर टू एन एक्स वाई एन प्लस वन इस फैक्टर को लिख दिया, ये टू और ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा तो ये साइन माइनस में हो जाएगा और एन इंटू एन माइनस वन है और इसमें ये कैंसिल हो चुका सारा कुछ तो ओनली वाई एन ही बचा है यहाँ पर। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे जो कि माइनस का हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन और ये वाला फैक्टर भी टर्म भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का एन टाइम्स वाई एम वाई एन और लास्ट में ये माइनस का एम स्क्वायर टाइम्स वाई एन है, राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो है। अब इनको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा और ये हमारा जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग आ भी गया है, वाई एन प्लस वन वालों को देखिए कितने हैं, ये दो नज़र आ रहे हैं, इनको पहले पास पास लिख देते हैं, माइनस का टू एन एक्स और वाई एन प्लस वन और ये भी है
पास में लिख देते हैं माइनस के एक्स वाई एन प्लस वन। अब वाई एन वाले टर्म को लिख देंगे, वाई एन वाला टर्म ये हो जाएगा माइनस का एन इंटू एन माइनस वन वाई एन, और फिर इसको लिख देंगे माइनस एन इंटू वाई एन, और इस टर्म को लिखेंगे क्योंकि माइनस का एम स्क्वायर वाई एन, यानी वाई एन के यहाँ पर तीन टर्म थे वन टू थ्री, तीनों को हमने यहाँ लिख दिया, इनको पहले लिखा जा चुका है, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ज़ीरो और ये लिखा है वाई एन लिखा हुआ है, तो सही कर लीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, वाई एन है। तो इन तीनों में से वाई एन कॉमन आ जाएगा, माइनस भी कॉमन आएगा शुरू में, और इसी तरीके से इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और वाई एन प्लस वन को कॉमन लेंगे, एक्स भी कॉमन होगा, राइट हैंड साइड में दे देंगे। इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को इस एज एट लिख दीजिएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे बिना किसी चेंज के वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, माइनस कॉमन लिया है और एक्स कॉमन लेना है, तो बचेगा हमारे पास टू एन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से टोटल ये कॉमन ले रहे हैं और माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ पर कॉमन लिया है एक्स वाई एन प्लस वन को कॉमन लिया है। अब जो लास्ट के तीन टर्म बचे हुए हैं इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए शुरू में, दिखा लो, और तो बचेगा एन एन माइनस वन, और हमने वाई एन को भी कॉमन लिया है, तो चूंकि माइनस साइन कॉमन ले चुके तो सारे टर्म प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस का हो जाएगा एन और प्लस का ही हो जाएगा एम स्क्वायर, जब हमने यहाँ पर वाई एन को कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में ज़ीरो के बराबर है। तो फर्स्ट जो टर्म है उसको तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का टू, माइनस सेकेंड भी कुछ भी चेंज अब नहीं होने वाला, टू एन प्लस वन टाइम्स एक्स वाई एन प्लस वन, ये सॉल्व हो चुका है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एन का अंदर इंटू होगा एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, एन पहले से मौजूद है, प्लस का एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो, देख रहे हैं कि प्लस का एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचेगा वही हमें लिखना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन टाइम्स एक्स वाई एन प्लस वन माइनस ये एन स्क्वायर बचा है प्लस का एम स्क्वायर वाई एन इजिकल टू ज़ीरो, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, बाकुल दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यही प्रूव करना था।